धरती पर 18 नवंबर को एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखाई देने वाली है। खगोलीय वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते हजार साल में पहली बार सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण 18 नवंबर को देखा जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले हफ्ते 18 और 19 नवंबर को यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत समेत पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि आंशिक चंद्र ग्रहण तब दिखाई देता है जब पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर कुछ घंटे तक बनी रहेगी। इस दौरान अगर धरती पर मौसम साफ रहता है तो जहाँ जहाँ पर चंद्रमा निकलता है वहाँ वहाँ पर इस अद्भुत चंद्र ग्रहण को आसानी से देखा जा सकता है। earthsky.org के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण करीब 21,693 सेकंड तक रहेगा, जो करीब 6 घंटे और 2 मिनट होता है। वेबसाइट के मुताबिक साल 1440 से लेकर साल 2669 के बीच यह सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये अद्भुत आंशिक चंद्र ग्रहण को बहुत कम समय के लिए देखा जाएगा और ये पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में देखा जाएगा। साथ ही कुछ पल के लिए दिल्ली में भी दिखाई देगा। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को दिन में 12:48 से शुरू होगा, जो शाम 4:17 तक चलेगा। भारत में ये साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारत में देखा जाएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिका महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 18 फरवरी 1440 को धरती पर इतना लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया था। अब अगली बार इस तरह का अद्भुत चंद्र ग्रहण लोगों को 8 फरवरी 2669 को दिखाई देगा।